अगर पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हो तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की सरकार में हो तो गलत है। असली मुद्दा ये है कि जो लीकेज है वो राहुल जी के दिमाग में है। अगर किसी की जेब कट जाए तो मोदी जवाब दे, किसी के घर से भैंस गायब हो जाए मोदी जवाब दे, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए मोदी जवाब दे। कांग्रेस की बर्बादी का भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं, तो तुम कर क्या रहे हो? पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पेपर लीक को पहली बार थोड़ी हुआ। सचिन पायलट जी ने कितना बड़ा आंदोलन किया था पेपर लीक के खिलाफ राजस्थान में। अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी तब यही राहुल जी तो मानते थे कि नहीं, पेपर लीक होना एक सिस्टम का प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। और पेपर लीक के मामले में अशोक गहलोत जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हो तो वो गलत नहीं है, और अगर बीजेपी की सरकार में हो तो गलत है। असली मुद्दा ये है कि जो लीकेज है वो राहुल जी के दिमाग में है, वो लीकेज बंद होनी चाहिए। और संसद को ये कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये असली मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी की जेब कट जाए तो मोदी जवाब दे, किसी के घर से भैंस गायब हो जाए मोदी जवाब दे, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए मोदी जवाब दे। कांग्रेस की बर्बादी का भी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हैं, तो तुम कर क्या रहे हो? जहां तक सवाल है नीट का, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे दोषियों को बख्शा जाए। मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी की सरकार है ये, उल्टे टांग दिए जाएंगे लोग। जिस तरीके से आज बारिश हुई, एयरपोर्ट परिसर का छत भी गिरा, प्रियंका गांधी सवाल उठा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हो रहा है, एयरपोर्ट के छत का इनॉग्रेशन क्या, राम मंदिर का सवाल उठा रही है कि वहां पर भी लीकेज हो रहा है। एयरपोर्ट की जो छत गिरी है ये तो यूपीए 2 में बना था, तो इस पे तो जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि इसका ठेका किसे दिया था। जहां तक राम मंदिर की लीकेज का सवाल है तो राम मंदिर ट्रस्ट देखेगा। आप तो कांग्रेस की लीकेज जो हो रही है उसको रोको, जो कांग्रेस पार्टी में लीक हो रहा है सब, इमारत दरक रही है। 2014, 2017, 2019, 2022, 2027, 5 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की इमारत दरक रही है। इस लीकेज को कौन रोकेगा? पहले अपनी इस इमारत की चिंता करें, राम मंदिर की छत की चिंता ना करें, उसकी चिंता राम मंदिर ट्रस्ट करेगा। ओबीसी साहब के घर के बाहर जिस तरीके से कुछ लोगों ने इंक फेंका, ओबीसी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि मुस्लिम जो है इन्फ्लेटेटर्स हैं देश में, तो सोच सकते हैं कि मानसिकता और भड़कावा है कैसे जा रहा है लोगों को। अब अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझने की गलत फहमी से बाहर आए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा, वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान के मुसलमान की रहनुमाई करके और दूसरे देशों की जय जयकार करते हैं ओवैसी साहब। मुझे तो इनकी बात पे भी शक है और इनकी नीयत पे भी शक है। आपको लगता है कि इनकी सदस्यता पर भी अब संशय बरकरार है, क्योंकि जैसे दूसरे देश का उन्होंने जयकारा लगाया? भारत माता की जय बोलते हुए प्रॉब्लम है, दूसरे देश की जय बोलेंगे? जब भारत माता की जय बोली जाती है तो कहते हैं इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इस्लाम का प्रॉब्लम है, तो दूसरे देश की जय कैसे बोल सकते हैं? ओबैसी साहब ने जो काम किया है वो भारत विरोधी भी है और इस्लाम के खिलाफ भी है।